नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। बहुत स्वागत है आपका पूछता है उत्तराखंड में। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी पर लंबी चर्चा की है। दोनों नेताओं ने कई मुद्दों पर करीब 3 घंटे तक बातचीत की। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने रविवार को नई दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात की। इससे पहले धामी ने दिल्ली स्थित उत्तराखंड सदन में मीडिया से बातचीत की। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में यूसीसी को लेकर बनी कमेटी अभी ड्राफ्ट तैयार कर रही है। उम्मीद है कि कमेटी जल्द ड्राफ्ट सौंप देगी। सीएम ने बताया कि उत्तराखंड में भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार का रुख स्पष्ट और बेहद सख्त है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है। सरकार ने उत्तराखंड को अपराध और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का संकल्प लिया है। प्रदेश में जहां भी भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतें मिलती हैं, उन पर विजिलेंस के माध्यम से त्वरित कार्रवाई भी की जा रही है। पहले सरकारी नौकरियों के लिए होने वाली परीक्षाओं में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार होता था, अब इस पर अंकुश लगा दिया गया है। उत्तराखंड में भर्ती परीक्षाओं में नकल की साजिश रचने और नकल करने के आरोप में अब तक 80 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। नकल के खिलाफ सरकार सख्त कानून लाई है। वहीं कांग्रेस ने सीएम धामी के दिल्ली दौरे को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता ने बताया कि धामी उच्च को लेकर नहीं बल्कि उनकी ही पार्टी के कई नेता उनकी कुर्सी हिलाने में लगे हैं, इसलिए वो दिल्ली पहुंचे हैं ताकि वो अपनी कुर्सी बचा सके, ना कि वो प्रदेश के हित में बातचीत करने के लिए पहुंचे हैं। आइए सुनते हैं इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्या कुछ कहा और इस पर कांग्रेस ने किस तरह से कटाक्ष किया है। इस बार मैंने सड़क परिवहन मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी से समय लिया है और जो हमारे यहाँ पर नेशनल हाईवे के काम चल रहे हैं और रोपवे और टनल के कुछ काम प्रस्तावित हैं, बहुत सारे सेंट्रल जो रिजर्व रोड्स का काम है उसके संबंध में उनसे अनुरोध करना है कि जल्दी उनको स्वीकृति मिल जाए। तो पूरा प्रस्ताव पहले से हमने दिया हुआ है, कुछ प्रस्ताव नए दे रहे हैं तो उसी संबंध में भेंट करनी है। और बाकी हमारी जो नियमित रूप से होने वाली बैठकें हैं संगठन की और सांसद गणों के साथ, उन बैठकों में भी प्रतिभाग करेंगे। देखिए, फिर एक शगुफा चलाया जा रहा है मीडिया के द्वारा कि वो अमित शाह से मिलने के लिए गए और यूसीसी पर बैठक। जी नहीं, जो चमोली में मौतें हुई हैं, जो घोर लापरवाही इनके रहते हुई है, उसको साफ करने के लिए अपने ऊपर जो इतना बड़ा दाग अब लग गया है और जो अपनी ही पार्टी के लोग अब अपनी जड़ें हिलाने की कोशिश कर रहे हैं, चमोली को निशाना बनाते हुए, चमोली को आधार बनाते हुए जो शिकायतें लेकर दिल्ली पहुंच रहे हैं भाजपा के लोग, वो मुख्यमंत्री टटोलने गए हैं कि मेरे से हाईकमान चमोली के बाद भी खुश है या नाखुश है, उनके मन को टटोलने जा रहे हैं यूसीसी के लिए। तो एक बात साफ सुन लीजिए, ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचे। तो पुष्कर सिंह धामी के दिल्ली दौरे को लेकर कांग्रेस ने फिर से सवाल उठा दिए हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है और यूसीसी पर लंबी चर्चा की है। हालांकि कांग्रेस इसे सिरे से नकार रही है। कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि अपना फेलियर जो धामी सरकार का हुआ है और जिस तरह से चमोली में हादसा हुआ, चमोली में लोगों की जान चली गई, इसके अलावा जोशी मठ पलायन के मुद्दे हैं, तो वहां पर आलाकमान क्या कुछ चर्चा कर रहा है अपनी कुर्सी बचाने के लिए। सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गए हैं, ना कि यूसीसी पर चर्चा करने के लिए। हालांकि सरकार की तरफ से साफ तौर पर तर्क दिया जा रहा है कि दोनों नेताओं ने कई मुद्दों पर 3 घंटे तक बातचीत की है। मुख्यमंत्री ने रविवार को नई दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात की। इससे पहले धामी ने दिल्ली स्थित उत्तराखंड सदन में मीडिया से बातचीत भी की, वो आपने सुना भी है। उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड में यूसीसी को लेकर कमेटी बनी है, अभी ड्राफ्ट तैयार कर रही है, जल्द ड्राफ्ट सौंप दिया जाएगा। साथ ही साथ उनका कहना है कि उत्तराखंड में भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार का जो रुख है वो बेहद स्पष्ट है, सख्त है। भ्रष्टाचार के खिलाफ हम जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रहे हैं और इन मुद्दों को लेकर उन्होंने गृहमंत्री अमित शाह से बातचीत की है। सरकार ने उत्तराखंड को अपराध और भ्रष्टाचार मुक्त करने का भी संकल्प ले लिया है कि उत्तराखंड में ना तो अपराध होगा और ना ही भ्रष्टाचार को बर्दाश्त किया जाएगा। तो यहाँ एक तरफ कांग्रेस ये कह रही है कि सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने की कोशिश करें क्योंकि उनका फेलियर साफ तौर पर दिख रहा है, चाहे वो चमोली हो, चाहे वो जोशीमठ हो, चाहे वो भर्ती प्रक्रिया का मामला हो, चाहे वो पेपर लीक का मामला हो, तो हर जगह धामी सरकार का फेलियर है। और आलाकमान में इस बात को लेकर क्या कुछ चर्चा हो रही है, सिर्फ वो जानने के लिए वो दिल्ली पहुंचे थे। हालांकि अंदर खाने क्या कुछ हो रहा है इस पर स्पष्ट तौर पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन जिस तरह के आरोप कांग्रेस लगा रही है, वाकई इसको लेकर सवाल निशान जरूर खड़े हो रहे हैं।
तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली पहुंचे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और मुलाकात बेहद महत्वपूर्ण है, जहां सरकार ये कह रही है कि हम तमाम मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं, तो वे कांग्रेस इस चर्चा पर कहीं ना कहीं सवाली निशान खड़े कर रहे हैं। इसी पर चर्चा करने के लिए कुछ मेहमान भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। मधुबर जी मेरे साथ जुड़ी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी की। वहीं जितेंद्र बिष्ट जी हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। प्रकाश थपलियाल जी मेरे साथ जुड़े हैं और यूकेडी से नेता हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले मधु जी आप ही का रुख कर लेते हैं। पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौड़ लगातार हम देख रहे हैं, वाकई प्रदेश की चिंता है या अपनी चिंता कर रहे हैं? देखिए, लगातार जिस प्रकार से आप देख रहे होंगे कि कई विषयों को लेकर जो चर्चाएं होती हैं, और अभी जैसे आप आज का, क्योंकि डिबेट का बड़ा प्रमुखता के साथ आपने मुद्दा रखा है यूसीसी पर बिल्कुल चर्चा, बिल्कुल निश्चित रूप से बिल्कुल हम बहुत ही गंभीरता के साथ आपने देखा होगा जिस प्रकार से जो हमने समान नागरिक संहिता का जो पूरा ड्राफ्ट जो हमारा ये वो तैयार हो रहा है, और उसको लेकर भी और विषयों को लेकर भी माननीय मुख्यमंत्री जी समय समय पर जो है केंद्र के नेताओं से मिलते रहते हैं, और एक भेंट जो है माननीय अमित शाह जी के साथ जो कल हुई थी उसमें हमारे यूसीसी के जो हमारे जो अध्यक्ष हैं और सभी मतलब उनके जो साथ मेंबर हैं सब लोगों के साथ मिलकर इसमें एक बहुत ही विस्तृत इसमें चर्चा भी हुई ड्राफ्ट को लेकर, और साथ में आने वाले समय में इसको किस प्रकार से रखा जाना है। इसके लिए मैं आपको बताना भी चाहूंगी आपके चैनल के माध्यम से कि यहाँ पर जो हमारी पूरी राष्ट्रीय जो मुस्लिम जो हमारी मोर्चा है उसके जो हमारे जो अध्यक्ष हैं और मीडिया प्रभारी हैं विधि आयोग के साथ चर्चा हुई और उन्होंने इसमें समर्थन भी किया, और पूरा ड्राफ्ट के लिए क्या होना चाहिए उस तरीके का यहाँ वहां पर जो अवस्थी जी हैं विधि आयोग के जो अध्यक्ष हैं उनको सौंपा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि बहुत जो एक ढंग से एक तरीके से जो यूसीसी को लेकर हमारी जो सरकार जो हमारी काम कर रही थी माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उसका पूरी तरीके से ड्राफ्ट तैयार हो चुका है, और निश्चित ही कुछ समय बाद जो आप लोगों के बीच में जो सदन पे रखा जाएगा उसके बाद उसमें भी चर्चा होगी और सबके सामने, क्योंकि ये पूरा उत्तराखंड जो ऐसा राज्य होगा कि जो एक नींव का पत्थर। ये तो बहुत अच्छी अच्छी बातें जो है वो मधु जी आपने बता दी है, लेकिन कांग्रेस का मैं रुख करूंगी और कांग्रेस से जानने की कोशिश करूंगी कि आखिर इनकी प्रवक्ता जो है वो ये क्यों कह रही है कि जो फेलियर है पुष्कर सिंह धामी का वो क्लियर करने के लिए गए थे, अपनी कुर्सी बचाने के लिए गए थे, क्यों? जितेंद्र जी क्या वाकई ऐसा है? जी, जैसा कि हमारे भाजपा की प्रवक्ता मधुबर जी कह रही है कि धामी जी जो है बड़ी सीरियस हैं प्रदेश में यूसीसी लाने के लिए, प्रदेश के विकास के लिए, और अगर धामी जी इतने ही, अगर इनको उत्तराखंड की चिंता है जितने चक्कर वो दिल्ली के लगा रहे हैं। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है। उतना ध्यान अगर वो यहाँ प्रदेश में देते, स्वास्थ्य पे देते, शिक्षा पे देते, रोजगार पे देते, पलायन पे देते, यूसीसी पे जितना ध्यान वो दे रहे उतना लोकायुक्त पे देते तो उससे बेहतर होता, यूसीसी से बेहतर होता। आप यूसीसी को जबरदस्ती उत्तराखंड में लागू करना चाह रहे हैं, आप पहले उसको देश में तो लागू कर दीजिए, लोकसभा में तो ला दीजिए, प्रदेश में तो तभी तो लाएंगे। और ये देश एक राज्य तो है नहीं, ये तो एक देश और एक कानून की बात है ना, राज्य के कानून और राज्य की बात थोड़ी है। आप पहले देश लोकसभा में उसे लाइए, राज्यसभा में लाइए, क्यों आपको इतनी जल्दीबाजी इसको प्रदेश में लाने की होती है? आप इसको चलिए ठीक है, हम मानते हैं कि चलो ठीक है, उसके लिए आप सांस्कृतिक ढांचे पे छेड़छाड़ मत करिए, धार्मिक ढांचे पे छेड़छाड़ मत करिए। ये देश केवल कानूनी ढांचे से बना हुआ नहीं है, ये धार्मिक और सांस्कृतिक ढांचे भी इसकी बुनियाद रखी हुई है इस देश की। इतना बड़ा हादसा चमोली में हुआ, आप उस पर पहले से ध्यान देते यूपी सेल पे अपने विभागीय उस पे, तो ये इतनी बड़ी घटना ना होती। आप दिल्ली के चक्कर बार बार लगा रहे, आप क्या जताना चाह रहे हैं कि हम दिल्ली क्यों जा रहे हैं? इसका मतलब सीधा सीधा प्रदेश के जनता के अंदर ये संदेश आ रहा है कि आपको अपनी कुर्सी हिलती हुई नजर आ रही है, आप उसको मजबूत करने के लिए दिल्ली जा रहे हैं, बार बार दिल्ली के नेताओं की कुर्सियां पकड़ रहे हैं। आप यहाँ ध्यान दीजिए ना, प्रदेश में इतनी सड़कों की कितनी बुरी स्थिति हो रही थी, चार धाम यात्रा आप कह रहे थे, आपने सड़कों को कहा कि हमारी सड़कें चार धाम यात्रा के लिए 12 महीने खुली रहेगी,
जगह जगह रोड ब्लॉकिंग हो रखी है, यात्री फंसे पड़े हैं, क्यों नहीं आप सड़कों पर ध्यान दे रहे? आप बार बार दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली से क्या होगा भाई, यहाँ ध्यान दीजिए ना। चलिए ठीक है ठीक है, हमने कांग्रेस को सुन लिया, हमने बीजेपी को भी सुन। मधु जी वापस लौटूंगे, एक कमेंट ले लूं थपलियाल जी से, फिर वापस आपके पास लौटूंगी। थपलियाल जी, यूसीसी को लेकर गहन चर्चा हुई है, पुष्कर सिंह धामी कह रहे हैं, बीजेपी लगातार ये कह रही है उत्तराखंड में कि जो भ्रष्टाचार है, अपराध है, वो पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा, जीरो टॉलरेंस की नीति हम अपना चुके हैं, विजिलेंस पर ध्यान देने की जरूरत है, हमने नकल माफियाओं पर ध्यान दिया है। लेकिन कांग्रेस ये कह रही है कि यहाँ पुष्कर सिंह धामी को अपनी जो कुर्सी है वो उनसे नहीं बच पा रही है, और यही वजह है कि वो दिल्ली दौड़ लगातार लगा रहे हैं। देखो, उत्तराखंड में खुशियों की छीना झपटी लगातार एक खेल खेला जाता रहा है और 22 साल से हम देखते आ रहे हैं। लेकिन जहां तक इस समय यूसीसी का सवाल है तो मुझे बड़ी चिंता हो रही है और हंसी भी आ रही है कि हम लोगों की मेमोरी इतनी कमजोर हो चुकी है कि हम इन मूर्खों के, जो हमें बार बार मूर्ख बना रहे हैं, उनके शब्दों के जंजाल में फंस रहे हैं। आप ये देखिए, 30 जून को इन्होंने बोला साहब यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार हो गया, इनकी अध्यक्ष लॉ कमीशन को हैंडओवर करने गई, उसी दिन ये मुख्यमंत्री 30 जून को वहां दिल्ली में था और यहाँ ये डिबेट में इन्हीं के प्रवक्ताओं ने बोला कि साहब हमारे मुख्यमंत्री को ड्राफ्ट मिल गया, हमारे लॉ कमीशन को ड्राफ्ट मिल गया और अब शीघ्र लागू होने वाला है। और फिर वही, मतलब हम एक महीने बाद वही बात कर रहे हैं, अभी प्रवक्ता वो भाजपा की शर्म नहीं आ रही, वही बोल रहे कि साहब अभी तैयार हो रहा है। अरे क्या तैयार हो रहा है, तुमने 30 जून को शर्म आ रही है, सारे उत्तराखंड को बोला, सारे देश को बोला, जबकि जो कानून के जानकार हैं उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि कोई हक नहीं है राज्य के अधिकार में, नहीं आता है कानून बनाना। ये कानून बनाने का नौटंकी उत्तराखंड में क्यों की जा रही, इतना बड़ा उत्तर प्रदेश इसमें चिंतित नहीं है, इतना बड़ा मध्य प्रदेश इसमें चिंतित नहीं है, ये इतना सा राज्य का मुख्यमंत्री ये यूसीसी के ऊपर उछल कूद क्यों मचा रहा है, ये हमें बड़ी चिंता है। दूसरी ओर इतनी बड़ी संख्या में लोग मारे जा रहे हैं नमामि गंगे प्रोजेक्ट में, और नमामि गंगे प्रोजेक्ट की ऐसी कंपनी को ठेका, हम भ्रष्टाचार में जीरो टॉलरेंस, हम भ्रष्टाचार में मतलब मैडम मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है जब भाजपा के प्रवक्ता बंदरों की तरह, तोते की तरह बोलते हैं, बट जीरो टॉलरेंस हमने कर दिया है, कानून कठिन कानून कर दिया है। लेकिन आप ही देखिए कि नमामि गंगे में जिस कंपनी को ये लाए हैं वो एसटीपी, मैंने मैं गजब की बात है, ऐसे तो ये कनाड़ी लोग भी नहीं करते जो उस कंपनी ने कर रखा है, उसके बदौलत हमने इतनी जाने कमा दी और कुछ नहीं, मतलब आज सभी एसटीपी छोड़ के भाग गए। उसकी जिगर बर्बकता को भी नहीं मालूम होगा कि एसटीपी किस कंपनी के हवाले की थी। उत्तराखंड में उत्तराखंड में जो कुछ हो रहा है, जो स्थिति बनी हुई है, क्या वाकई ये मुद्दे लेकर केंद्र से लगातार मुलाकात हो रही है या फिर जो कांग्रेस कह रही है वो सही है? बहुत शॉर्ट में बताइएगा सर। केवल बंदर की उछल कूद हो रही है, क्या जरूरत है गडकरी को मिलने की, क्या जरूरत है गृह मंत्री को मिलने की, क्योंकि गृह मंत्री ने बताया है कि भाई हम तो मणिपुर के चक्कर में फंस गए, तू कहां से आ गया यूसीसी की बात करने का, तुम्हारी जो प्रोला वाली नौटंकी थी वो पुरानी हो चुकी है। ठीक है, तब आज वापस लौटेंगे आपके पास। मधु जी कुछ कहना चाह रही है, मधु जी एक के बाद एक कई आरोप लग रहे हैं कि सिर्फ पुष्कर सिंह धामी जो है अपनी कुर्सी बचाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उनसे प्रदेश नहीं संभल पा रहा है। बिल्कुल नहीं संभल पा रहा। देखिए 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 काजोल जी, मुझे क्योंकि यूकेडी के प्रवक्ता बैठे हैं और उनको क्या शायद कुर्सी की छीना झपटी का ज्यादा उनको पता होगा, क्योंकि जिस प्रकार से उनके दल में ये चलता रहता है उसको अपना आपस का विषय है, उनका आपस का विषय है, तो उसमें मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, वो उनका आपस का चलता है। लेकिन जहां तक मैं बताऊंगी काजोल जी, हमारा निश्चित रूप से बिल्कुल, देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार आपने देखा होगा विभिन्न योजनाओं को लेकर समय समय पर केंद्रीय मंत्रियों से मिलते हैं और उन योजनाओं को उत्तराखंड में लाते हैं। साथ में बताना चाहूंगी, देखिए जिस प्रकार से अभी कहा, मैं बताना चाहूंगी यहाँ पे अपने कांग्रेस के प्रवक्ता को और अपने भाई यूकेडी के प्रवक्ता जी को कि देखिए बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेश थे, उनका ये कहना था
कि राज्यों को अपने अनुसार एक कॉमन सिविल कोड लागू करना चाहिए। ये बिल्कुल ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश थे। और ये देखिए धारा 44 के अंतर, ये जो अनुच्छेद 44 के अंतर्गत ये पूरे संविधान के उसमें है कि भाई समान नागरिक संहिता जो वर्षों से मानती है। यहाँ पे मेरे कांग्रेस के भाई भी बैठे हैं, वो भी जानते हैं, अगर आप सब लोग संविधान को मानते हैं तो संविधान की जो धाराएं हैं, जो अनुच्छेद है, हम सब उनका पालन करते हैं। और निश्चित रूप से जब इसमें ये आदेश हुआ तो राज्य ने अपना एक, क्योंकि हमने उससे पहले चुनाव में हमारे दृष्टि पत्र में स्पष्ट था कि हम जो है यूसीसी लागू करेंगे जब हम विजय, जब हमको जीतेंगे जनता के बीच में गए, और हमने जो वादे किए थे उनको लेकर हमने सबसे पहले इसको बनाया। अब इसमें बनाया हमने, इसमें जस्टिस जो है इसमें अपनी रंजना देसाई जी और अपने जितने भी हमारे कानून के जो ज्ञाता हैं उन्होंने मिलकर एक साथ में ये भी कहा कि भाई जो जनता है वो अपने सुझाव देना चाहती है, वो सुझाव दे अपना। तो पूरा देखिए 2022 ठीक है, यूसीसी बहुत ज्यादा जरूरी है, ड्राफ्ट तैयार हो गया, ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। उसके बाद अब अभी भी यही राग अपने रहे विपक्षी की लागू क्यों किया जा रहा है, किसी के धर्म पे किसी उसको बरगलाने का प्रयास मत कीजिए। मेरी बात सुनिएगा, यूसीसी बहुत ज्यादा जरूरी है, ये किसे छिपा नहीं है, यूसीसी इम्पोर्टेंट है, लेकिन क्या अभी यूसीसी ज्यादा इम्पोर्टेंट है अभी की मैं बात करूं, या चमोली में जो हादसा हुआ है वहां उस पर बात करना जरूरी है, जो पलायन हो रहा है उस पर बात करना जरूरी है, जो लोग बेघर हो रहे हैं उस पर बात करना जरूरी है, जो प्राकृतिक आपदा आ रही है उस पर बात करना अभी जरूरी है। देखिए काजोल जी, बिल्कुल निश्चित रूप से आपने देखा होगा जिस प्रकार से घटनाक्रम हुआ चमोली का घटनाक्रम, बिल्कुल जैसे ही ये घटना सामने आई, बिल्कुल निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी हो चाहे हमारे पूरे नेता हो, सब लोग वहां पर पहुंचकर हमने एयरलिफ्ट के द्वारा जो भी है पूरी जरूरी जो संसाधन थे उनको वहां पर मुहैया कराया उन लोगों को, ताकि जो झुलस गए थे उनको राहत मिले, एम्स में लेकर आए, और भगवान की कृपा से वो लोग ठीक भी है। लेकिन जहां कहीं कोई कमी रही, बिल्कुल निश्चित रूप से प्रथम दृष्टया जो भी हमें जो भी लगा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको तत्काल निलंबित किया, और निश्चित आगे भी इस प्रकार की कोई पुनरावृत्ति न हो इसके लिए, चाहे कोई भी कंपनी हो, चाहे कोई भी उसमें एई हो, जेई हो, कोई यूपीसीएल हो, कोई भी हो, उसको बिल्कुल बिल्कुल माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल दंडित करने की जो है कार्रवाई बिल्कुल कर दी है। लेकिन साथ में मैं आपको काजोल जी ये भी बताना चाहूंगी, देखिए इस राज्य में जो हमने जो विकास की जो एक राह देखी थी, जो विकास की एक जो नींव रखी है, निश्चित रूप से हम चाहते हैं इस उत्तराखंड का एक बहुत समुचित विकास हो। पलायन आयोग अगर बनाया तो हमने निश्चित रूप से इसकी एक रूपरेखा तैयार की हर तरीके से, हर स्तर पर तो करने जा रहे हैं। आज यूसीसी बहुत बड़ा मुद्दा है, ये बिल्कुल होना चाहिए, और हमारा बीजेपी लगातार कह रही है कि यूसीसी बहुत बड़ा मुद्दा है, इस पर बात होनी चाहिए। लेकिन यूसीसी को लेकर लगातार विपक्ष जो है सिर्फ और सिर्फ लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल यूसीसी बेहद जरूरी है, बहुत जल्दी से कमेंट दीजिएगा, उसके बाद भी मैं प्रकाश जी का रुख करूंगी। जितेंद्र जी, जी 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 मैं ये कह रहा हूँ कि धामी सरकार उत्तराखंड में फेलियर है, फेल हो चुके हैं। आप जो है उत्तराखंड के ऊपर दिन पर दिन कर्जे बढ़ाते जा रहे हैं, पलायन पे आप कुछ नहीं कर रहे, शिक्षा के क्षेत्र में आप कुछ नहीं कर रहे। जैसे मैं कह रहा हूँ कि भाजपा के लोग क्या करते हैं, वादा करते हैं, शिगुफा फेंचते हैं, जुमलेबाजी करते हैं। जितने भी ये जुमलेबाजी करते हैं, शिगुफा फेंचते हैं, केवल जनता को एक दूसरे ध्यान भटकाने के लिए कि इनका ध्यान अभी यूसीसी में लाते हैं, इनका ध्यान बेरोजगारी से हट जाएगा, और जो मुद्दे जन मुद्दे उत्तराखंड के महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं उनपे इनका ध्यान ना जाए, सड़कों की स्थिति जो खराब है इनकी तरफ इनका ध्यान ना जाए, और ये नए सिगू पर भेजा। हम ये कह रहे कि आप इतनी जल्दीबाजी है क्या, जैसे थपलियाल जी ने कहा कि आपको उत्तर प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश है, वहां के मुख्यमंत्री को तो चिंता नहीं है कि हम यूसीसी लाए वहां पर इतनी जल्दीबाजी में, और यहाँ के मुख्यमंत्री बड़ी उछल कूद मचा रहे हैं कि मैं कब यहाँ यूसीसी लाऊं, और मैं पहला मुख्यमंत्री कहा प्रदेश का, देश का, कि भाई मैं यूसीसी लागू करने में हमने पहला स्थान पाया है। अरे पहला स्थान पाओ ना बेरोजगारी मिटाने में, रोजगार देने में, पलायन रोकने में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, उसमें पहला स्थान लाइए। आप यूसीसी में लाओगे क्या मिलेगा यूसीसी प्रदेश की जनता को, क्या लाभ होगा? प्रकाश जी, कांग्रेस कह रही है कि यूसीसी लाने के पीछे मकसद है, पुष्कर सिंह धामी ये चाहते हैं कि वो पहले मुख्यमंत्री बन जाएं कि हाँ हम यूसीसी लेकर आए हैं अपने राज्य में, बाकी बेरोजगारी, रोजगार, पलायन,
प्राकृतिक आपदा, हादसे, उस पर कोई ध्यान नहीं है। मैडम ये यूसीसी नहीं ला सकते, मेरे ख्याल से गृह मंत्री ने बता दिया होगा उनको कि भाई तू चुप हो जा, यूसीसी राज्य का काम नहीं है मेरा। मोदी अपने आप, मोदी जी ने ऑलरेडी ऐलान कर दिया है कि मैं पूरे देश में, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी का 2024 का जो चुनाव किसे पहले सबसे बड़ा मुद्दा यूसीसी है, तो मोदी लाएंगे। ये तो इनको, ये लोग जो है उछल कूद जो मचा रहे हैं कि मैं बनाया मैं ले गया, वो जरा केंद्र के काम आएगा, लेकिन वहां पे भी गलती होगी, वो हम जानते हैं कि किस तरह ये हंसी के पात्र बनेंगे। जिस तरह ये लोक आयुक्त लोकपाल में बने हैं उसी तरह से इसमें भी हंसी के पात्र बनने वाले हैं, हम नहीं बताएंगे इनको। दूसरी चीज ये है कि ये जिस तरह से, क्योंकि इसने हर जगह हंसी का पात्र बना, जब ये पटसमुदियों के बंटवारे की बात कर, मैं कर दिया घाट के तीन पात, कुछ भी नहीं किया, वो गेस्ट हाउस को लेके आ गया, दिखाया हमें उसकी जगह में उत्तर प्रदेश को जमीन दे दी, उसने अपना आलीशान नया गेस्ट हाउस बना दिया हरिद्वार में। ये हमें बेवकूफ बना रहे मैडम, मैं बता रहा हूँ, इस मुख्यमंत्री के बिल्कुल हाथ से निकल चुका है उत्तराखंड, ये नहीं संचालित कर पा रहा, इसलिए परेशान होकर लोग दिखावे में बार बार दिल्ली जा रहा है। ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि अभागा राज्य 22-23 साल से भी ये भटक रहा है, इसको कोई ऐसा नेतृत्व नहीं मिल रहा जो इसके बेरोजगारों को रोजगार दे सके, जो स्वास्थ्य सेवाएं, देखिए आप किस तरह से आज IDPL के लोगों को बाहर सड़कों पे फेंक दिया गया इस बरसात में, इसी तरह सिप्पन कोर्ट में इन्होंने फेंका। ये लोग केवल गुजरातियों के लिए काम करते हुए दिख रहे हैं। मेरे को बहुत दुख हो रहा है कि हमारे इतने अच्छे अच्छे लोग प्रवक्ता बने हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन दिल में सोच रहे होंगे कि हम किन लोगों की पैरवी कर रहे हैं। निश्चित रूप से मैं मधु भट्ट की अगर आत्मा को टटोलेंगे तो दुखी हो रहेगी अंदर से, कहां किन लोगों के लिए, डकैतों के लिए। ठीक है मधु जी, एक के बाद एक कई आरोप लग रहे हैं, और लेकिन सवाल ये है कि ठीक है यूसीसी पर गहनता से चर्चा करना, ड्राफ्ट तैयार करवाना, जल्द यूसीसी लाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो और मुद्दे हैं, जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं, उस पर हम वो पहल नहीं देख पा रहे प्रदेश में, क्या वाकई ये धामी सरकार का फेलियर है? देखिए काजोल जी, लगातार आप देख रहे होंगे जिस प्रकार से अभी, क्योंकि बहुत मेरे प्रवक्ता लोग कह रहे थे कि नहीं कुछ अभी कुछ काम, अरे हम बिल्कुल लगातार हर तरीके से काम कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे ना, अगर हमने कहा है कि हम धारा 370 हटाएंगे, हमने हटाया, हमने कहा हम ट्रिपल तलाक का जो ये कानून था हमने कहा वो करेंगे तो वो करा, साथ में अभी आप देखेंगे हमने कहा महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण देंगे तो वो दिया, साथ में अगर आप देखेंगे तो जिस प्रकार से अभी यूसीसी पे ये जो चर्चा चल रही है, निश्चित रूप से देखिए संविधान की जो संविधान की वर्षों से जो ये मांग थी, पूरे भारत को इसकी आवश्यकता है और बहुत ही आवश्यकता है। साहबानों के केस से मुंह मोड़ने वाले अब वो तो अब यहाँ पर रहे नहीं, माननीय जो हमारे स्वर्गीय राजीव गांधी जी थे, तो उनका किस प्रकार से उन्होंने इस प्रकरण में पूरे देश में पूरी छिछा देदरी हुई वो तो जानते ही हैं, सभी जानते हैं। क्यों नहीं है आवश्यक, हमने जब अपने दृष्टिपत्र में स्पष्ट रूप से कहा तो जनता ने हमें भरपूर समर्थन दिया और उसके आधार पर हम ये पूरा यूसीसी हम लागू करने जा रहे हैं। साथ में मैं आपको बताऊंगी जैसे जिस प्रकार से आप कह रहे थे अन्य मुद्दे, बिल्कुल अन्य मुद्दे भी हमारे लिए, हमने कहा जैसे कानून, देखिए सख्त नकल विरोधी कानून बनाना एक ऐतिहासिक ये माननीय पुष्कर सिंह धामी जी की पहल है। जिस प्रकार से भ्रष्टाचारी हो, नकल माफिया हो, सत्ता पर हावी हो चुके, तो उनको खत्म करने के लिए बहुत सख्त कानून हमने बनाया है। हम धीरे धीरे पूरी जो भ्रष्टाचार की जड़ है उसको पूरी तरीके से समाप्त कर रहे हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार विभिन्न योजनाएं जो हमारे पूरे उत्तराखंड में लागू होनी है उसके लिए बजट को लेकर समय समय पर लाते रहते हैं। आप देखेंगे जिस प्रकार से काम तेजी से हो रहा है, अगर मैं इस समय, क्योंकि बरसात का टाइम है, इस समय हमें राहत जो है, हमारा जो आपदा प्रबंधन तंत्र है उसको स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी देख रहे हैं। हम चाहते पूरे इस राज्य में किसी भी प्रकार की कोई कहीं भी, क्योंकि प्राकृतिक मौसम की मार है, कहीं भी कोई आपदा हो तो तुरंत उनको राहत मिले, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो, भगवान की कृपा से यहाँ पर आपने देखा होगा कि कहीं भी कोई हादसा हुआ है तो तुरंत हमने राहत वहाँ पर पहुँचाई है, पर हम उसमें सक्षम नहीं हुए हैं। मधु जी लगातार कह रही है कि हम कोशिश कर रहे हैं, हमारा पहला मकसद है कि जनता को हर एक सुविधा पहुंचाई जाए, विपक्ष का सिर्फ काम है आवाज उठाना, लोगों को बरगलाना, और यो विपक्ष बखूबी कर रहा है। हम उत्तराखंड की जनता के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। जितेंद्र जी,
जी काजोल जी, भाजपा का तो हमेशा पहले से ही दोहा चरित्र रहा है। एक तरफ शाहीन बानू की आप बात करते हैं, दूसरी तरफ आपको उत्तराखंड में अंकिता भंडारी नहीं दिखती है, किरण नेगी नजर नहीं आती है, वीआईपी का नाम आज तक आप लोग उजागर नहीं कर पाए, कौन हो वीआईपी। और बात आप शाहीन बानू के उसमें करते हो, आपका चरित्र जनता जान चुकी है, आप लोगों का चरित्र क्या है, आपने मामला हाई कोर्ट में है, पूरा मामला हाई कोर्ट में है, और आपने बेरोजगारों पे, आपने उत्तराखंड के बच्चों पे, जो बच्चे रोजगार मांग रहे थे कानून बनाया, आपने लाठीचार्ज किया, उनको आपने जेलों में भेजा, इसका जवाब है क्या आपके पास? हमारे उत्तराखंड के बच्चे, बेरोजगार बच्चे, पढ़े लिखे नौजवान बच्चे रोजगार मांग रहे थे, आपसे सत्ता नहीं मांग रहे थे, आपको ये नहीं कह रहे थे कि हमें मंत्री बनाइए, राज्य मंत्री बनाइए, वो कह रहे थे कि हमें रोजगार दीजिए आप। ठीक है तपलियाल जी, प्रदेश की जनता, प्रदेश के युवा रोजगार मांग रहा था, लेकिन रोजगार उन्हें नहीं मिल रहा है। अंकिता भंडारी हत्याकांड हो, जोशीमठ हो, पलायन का मुद्दा हो, यही मुद्दे विपक्ष के पास है, इर्द गिर्द घूम रहे हैं, और लगातार सरकार का ये आरोप है कि विपक्ष सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहा है, धरातल पर बिल्कुल जनता से कोई सरोकार विपक्ष का नहीं है। ये तोतों की तरह सारे प्रवक्ता यही शब्द बोलते हैं, लेकिन अगर, और बहुत अच्छे, क्योंकि जनता में बहुत अच्छी इमेज होती है इन लोगों की, जो जैसे हमारी मातृशक्ति आई है, और लोग विश्वास करते हैं कि मधु भट्ट झूठ नहीं बोल रहे होगी, लेकिन मधु भट्ट को बद्रीनाथ कैसे माफ करेगा कि जो इतनी झूठ बोल रही है कि किस तरह से उत्तराखंड में भ्रष्टाचार फैला हुआ है। आज किसी भी विभाग में चले जाइए मैडम, मतलब दो दुगुना चौगुना भ्रष्टाचार इस उत्तराखंड में हो चुका है। इस उत्तराखंड का हाल यह है कि यूसीसी के लिए तो बड़े बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। मधु भट्ट जब ऐसी बोल रही है तो जनता विश्वास कर रही होगी सच में यूसीसी में कोई ऐसी छड़ी है कि हमारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे, लेकिन जनता को गुमराह कर रहे हैं कि इन्होंने अभी तक इस राज्य को राजधानी नहीं दी। स्थायी राजधानी की बात करोगे आय 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 करने लग जाएंगे, ये मुद्दों की बात आती नहीं इनको। इनको ये पूछा जाए कि तुम तीसरी विधानसभा देहरादून में क्यों बना रहे हो, प्रवक्ता नहीं बता पाए, एडमिन सिटी नाम से क्यों तुम यहाँ पे लोगों को गुमराह। देखो स्मार्ट सिटी देहरादून का नाम, एडमिन सिटी दूसरा नाम, एरो सिटी तीसरा नाम, साइबर सिटी चौथा नाम, और अगर इसका एक्सप्लेनेशन पूछा जाए किसी भी तोते को नहीं दे सकता। विपक्ष कर रहा है, विपक्ष वो कर रहा है, विपक्ष गुमराह कर रहा है, और मैं हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और अगर मैं कल अपने प्लॉट में पौधे लगाने जा रहा था तो मेरे पड़ोसी ने रोका कि भाई मैं 3 लाख रुपए देकर अपने लगाए हुए पौधों को काटना पड़ा मुझे, 3 लाख उद्यान विभाग में। इतना भ्रष्टाचार है इनको, अगर मैं अगर आखिरी कमेंट, भ्रष्टाचार अपराध मुक्त बनाने की बात यहाँ हो रही है कि भ्रष्टाचार और अपराध बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जीरो टॉलरेंस की नीति, लेकिन एक के बाद एक कई तस्वीरें ऐसी नजर आ रही है। मधु जी इस पर एक बहुत छोटा सा कमेंट चाहिए आपसे, बहुत छोटा। काजोल जी बिल्कुल, हमने टोल फ्री नंबर दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, बिल्कुल अगर कोई भी शिकायत है तो आप दीजिए, आप अपना नाम भी मत बताइए, आप उसमें अपनी शिकायत डाल दीजिए, और बिल्कुल निश्चित रूप से अगर कोई भी भ्रष्टाचारी है तो बिल्कुल जेल की सलाखों के पीछे रखने का काम हमने किया, 200 के करीब हमने जो भी कहीं कोई पाया गया कोई भी मामला हो आज जेल की सलाखों के पीछे। हम चाहते हैं इस राज्य बिल्कुल राज्य जो हमारी जो जो हमने शहादत दी है इस राज्य के लिए, बिल्कुल उस राज्य को हम एक सपनों का जो हमने राज्य जो सोचा था बिल्कुल आज धरातल पर उतर रहा है, और हम जीरो टॉलरेंस के साथ भ्रष्टाचार मुक्त इस राज्य को बनाने जा रहे हैं। मुलाकात का असर धरातल पर कितना नजर आएगा उसका हम इंतजार करेंगे। फिलहाल आप तीनों को बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यूसीसी को लेकर लगातार चर्चा कर रहे हैं, उनका कहना है कि जल्द ही ड्राफ्ट तैयार कर लिया जाएगा और उत्तराखंड में जल्द ही यूसीसी कानून लागू हो जाएगा, लेकिन विपक्ष लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। विपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि सरकार का ये फेलियर है, पुष्कर सिंह धामी का ये फेलियर है, तभी लगातार वो दिल्ली दौड़ लगा रहे हैं। धरातल पर जो मुद्दे हैं, जो वाकई जनता से रिलेट हैं, उन पर धामी सरकार कोई भी एक्शन नहीं ले रही है और कोई भी सांत्वना यहां देती हुई नजर नहीं आ रही है। फिलहाल के लिए इतना ही, देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।